बनाए दाल चावल, पकोड़े, खीर, चिकन का सालन, रोटी, सैलेड और अचार को ऐड किया है। वालेकुम एवरी समीनिया पे आज एक डिफरेंट चीज़ लाए हैं, इंडियन थाल, कि वो किस तरह झटपट से सारा कुछ बना लेते हैं। जो हम सबसे पहले बना रहे हैं वो है खीर। क्या होता है कि इससे हमारे आलू क्रिस्पी। अब हम अपने पकौड़ों का रुख चेंज करके चेक करेंगे। अब हम इसमें डार्क सोया सॉस ऐड कर रहे हैं 1 टेबल। तो गाइस हमारी थाल हो चुकी है रेडी। वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। समीनिया पे आज एक डिफरेंट चीज़ लाए हैं, वो है इंडियन थाल। इंडियन थाल में जो होती हैं 6 से 7 चीज़ें होती हैं, और उनमें से जो हम सबसे पहले बना रहे हैं वो है खीर। खीर के लिए हमें चाहिए दूध, बादाम, चीनी और बॉइल्ड राइस। तो हम आपको बताएंगे झटपट से बनने वाली ये जो होती हैं, वो तो डेली में इंडिया में खाया जाता है, डेली खाया जाता है। तो हम आपको उसी तरह बताएंगे कि वो किस तरह झटपट से सारा कुछ बना लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हम अपनी सबसे पहले डिश की तरफ बढ़ चुके हैं। हमने सबसे पहले लिया है 1/2 kg दूध। इसको हम दूध पकाएंगे जब तक इसका बॉयल नहीं आ जाए। हम इंडियन स्टाइल थाल आज हमने तैयार करना है, जिसके लिए हमें सबसे पहले खीर बनाएंगे, फिर हम मूंग की और मसूर। खीर हम लोग इसलिए बनाएंगे कि खीर ठंडी हो जाएगी हमारे खाने पकने तक, बाकी के खाने पकने तक। हाँ जी, बाकी हम बनाएंगे मूंग और मसूर की दाल बनाएंगे, साथ में चावल बनाएंगे, पकौड़े बनाएंगे, अचार होगा, सैलेड होगी और साथ में रोटी होगी, सालन होगा। जैसे आप लोगों ने इंडिया में देखते हैं, हमारा भी दिल करता है ये क्या इंडिया के लोग जो हैं मतलब किस तरह खा रहे हैं। तो इसी तरह हम आपके लिए बना ला रहे हैं। इसी तरह हमारे पाकिस्तान में कई जो हैं, जैसा कि बंदू खाना है, इसने नाश्ते की ऑफरिंग की हुई है। तो इसी तरह और भी कई रेस्टोरेंट्स हैं पाकिस्तान में जिन्होंने इंडियन स्टाइल थाल जो है तैयार की है। तो आज हम भी आपको घर पर कर कर दिखाएंगे और जो झटपट से बन जाएगी, मतलब कि जैसे इंडिया में तो डेली सब कुछ बनता है ना, तो इसीलिए हम आपको इसी तरह हम आपको सिखाएंगे कि कैसे झटपट सब कुछ बनता है। तो हम लोग हमारा दूध तब तक बॉईल हो रहा है, हमारे दूध को बॉईल आ चुका है। तो अब हम दूध में ऐड करेंगे इलायची, 2 इलायचियाँ ग्रीन वाली खोल कर डालिएगा, देन टेस्ट आता है। डायरेक्ट कोई भी चीज़ को ना ऐड किया करें, उसे डालने का क्या फ़ायदा। अभी हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे। खीर हमारी 7 से 5 मिनट के लिए पक गई है। अब हम इस पर ऐड करेंगे अपने बॉइल्ड राइस। दूध में जाते ही इलायची ने अपनी खुशबू छोड़ दी है। 1 कप चावल थे हमारे जो हमने इसमें बॉइल्ड ऐड किए हैं। इसको हिलाते रहेंगे, इससे ये होगा कि हमारे चावल जो है लगेंगे नहीं। खीर है तो इसमें जलने की स्मेल बहुत ज़्यादा वाजे होती है, काइंडली इस चीज़ का ख्याल रखना है आप लोगों ने कि आप हमने इसे हिलाना है, छोड़ के नहीं रख देना कि हम अगली चीज़ रेडी कर लेते हैं। तो गाइस खीर में हमारे चावल अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर, 4 टेबल स्पून हम चीनी का ऐड कर रहे हैं, मीन्स 1/2 कप। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं कटे हुए बादाम। अब हम इसको चीनी जब तक मिक्स नहीं हो जाती हम इसको मिक्स करते रहेंगे अपनी खीर को। इतनी खूबसूरत थिक हो गई है, बहुत ही यम्मी लग रही है खीर। तो गाइस खीर हो चुकी है हमारी रेडी, बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है। एक बॉयल आ गया, अब हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अब हम अपनी थाल की अगली चीज़ ऐड करेंगे, वो हैं पकोड़े। तो अब हम आपको बताएंगे पकोड़े किस तरह बनाए जाते हैं। तो जो पकोड़ों में डलता है वो हैं आलू, प्याज, मिर्चें, हरी धनिया और बेसन। तो अब हम आपको इसकी कटिंग बताएंगे कि पकोड़ों की कटिंग, जो हमारी थाल में ऐड किस तरह के पकोड़े होते हैं उनकी कटिंग किस तरह की जाती है। तो अब हम आपको बताएंगे आलू किस तरह कटिंग होती है पकोड़ों में। बिल्कुल ही बारीक बारीक हमने अपने आलू को काट लेना, बिल्कुल बारीक बारीक हम अपने आलू को काटेंगे।
हमने अपने आलू जो हैं उनके ऊपर से कुछ भी नहीं उतारना है। इससे क्या होता है कि इससे हमारे आलू क्रिस्पी होते हैं। बस आपने आलू को अच्छे से धो लेना है। तो ये देखें गाइस, हम लोगों ने अपने आलू बिल्कुल बारीक बारीक काट लिए, आलू की कटिंग कर ली है। अब हम प्याज काट रहे हैं तो वो भी बिल्कुल बारीक काटने हैं। इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्च। तो अब हम पकौड़ों में बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, प्याज और आलू और हरी मिर्च हमने बिल्कुल बारीक बारीक काट ली थी। तो हम इसमें ऐड करेंगे वन टीस्पून जी नमक, लाल मिर्च नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, सूखी मेथी जो बहुत ही अच्छा है इसका टेस्ट है। सूखी मेथी का टेस्ट पकौड़ों में बहुत ही टेस्टी आता है, हर कोई इसको अपने घर में ज़रूर यूज़ किया करे। अब हम ऐड करेंगे लाल मिर्च कुटी हुई, चिली फ्लेक्स, ज़ीरा ऐड किया है हमने हाफ टी स्पून। पकौड़ों की जो मेन चीज़ होती है वो है सूखा धनिया साबुत। अब हम इसमें ऐड करेंगे बेसन। बेसन को आपने पकौड़ों में हमेशा कम रखना है क्वांटिटी के मुताबिक। अगर आपकी चीज़ें सब्जियां हैं, अगर आपके सब्जियां ज़्यादा है तो हमने बेसन को कम रखना है। एक कप बेसन रखना है और हमारी सब्जियां ज़्यादा होंगी। इसी हिसाब से हमने अगर ज़्यादा बनाना है तो अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी का, हाथों से स्मूथली मिक्स करेंगे। और अब हम आपको बताएंगे पकौड़ों को हमने किस तरह ऑयल में फ्राई करना है। अपने हाथों से पकड़ के इसको हमने फ्राई फुल फ्लेम पर करना है। चेक करेंगे तो अब हम अपने पकौड़ों का रुख चेंज करके चेक करेंगे, दोनों साइड से बन चुके हैं। तो गाइज़ अब हम बना रहे हैं बॉयल चावल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम इंडियन थाल तैयार कर रहे हैं तो उसमें डिफरेंट किस्म के जो खाने होते हैं तो उसमें एक मेन चीज़ होती है बॉयल चावल भी। तो अब हम आपको बताएंगे कि हम बॉयल चावल को अपने किस तरीके से बनाते हैं। हम पाकिस्तान है, इंडिया के जो चावल होते हैं वो बनाते हैं और तरीके से, मतलब वो प्रेशर कुकर में बनाते हैं। वो प्रेशर कुकर को उतना पानी और उतने ही चावल डाल के वो बंद कर देते हैं, वो एक्स्ट्रा पानी नहीं डालते। तो हम थोड़े से हट के बॉयल चावल बनाते हैं। तो अपना अपना हर किसी का तरीका होता है। तो अब हम अपने चावलों में ऐड करेंगे नमक। बॉयल चावल हैं तो इसमें हम एक चम्मच चाय का, चाय वाला भटका डाल देंगे। तो चावल हमारे बॉयल हो गए हैं, अब हम इसको स्ट्रेन करेंगे। हमने चावल का पानी निकाल दिया है, खिले खिले हुए हमारे चावल जो हैं रेडी हो गए हैं। तो हमने अपने चावलों के पानी को सारा निकाल लिया है, स्ट्रेन कर लिया था। अब हम इस पर ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून ऑयल। दम पर रखने से पहले इस पर ऑयल ज़रूर छिड़का करें, इससे जो ये होता है कि हमारे चावल जो वो खिले खिले हो जाते हैं। इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे, देन हम इस दम पर रख देंगे। हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। अब हम इसको दम पर रख देंगे। तो अब हम बनाएंगे अपनी थाल की एक और डिश, तो वो है मसूर की और मूंग की दाल। तो अब हम आपको बताएंगे कि वो कितनी झटपट बनती है। तो इसमें अब हमने ऐड किया है ऑयल, देन हम ऐड करेंगे प्याज छोटी सी, इसको हम साटे करेंगे।
देन ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये पहले से बनाकर हम लोग रख लेते हैं तैयार करके। वन टीस्पून टेबलस्पून डाला है या टीस्पून डाला है? टेबलस्पून डाला है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो जैसा कि हमारे प्याज को कलर आ गया है पिंकिश शेड का है, तो ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, एक टमाटर लेंगे, हरी मिर्च को लेंगे, इस तरह काट लेनी है। इससे ये होता है कि हरी मिर्च का जो होता है वो टेस्ट अंदर आ जाता है। लोग ना ऐसे ही साबुत डाल देते हैं, साबुत डालने का क्या फ़ायदा जब उसका टेस्ट ही नहीं आना है। तो हरी मिर्च को हम जो काट के उसको ऐड कर लिया। अब इसको हम भुनेंगे अच्छे से। अब इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून हल्दी का, वन टेबल स्पून डालेंगे हम इसमें लाल मिर्च का, हाँ कुटी हुई लाल मिर्च का वन हाफ टेबल स्पून। हाँ कुछ लोग नहीं यूज़ करते लेकिन दाल में और इस तरह की चीज़ों में जो है ना इसका टेस्ट और ही आता है चिली फ्लेक्स का, तो इसको ज़रूर यूज़ किया कर अपने खानों में। चार से पाँच दिन काली मिर्च, ज़ीरा डाला है हमने इसमें वन टीस्पून। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं वन टीस्पून नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इससे ये होगा कि हमारा मसाला लग ना जाए। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं दाल, मूंग की दाल, नाउ वी एडेड मसूर की दाल। मसूर की दाल की क्वांटिटी ये होती है कि वो मूंग की दाल से कम होती है। कुछ लोग इन्हें सेपरेट सेपरेट भी बना लेते हैं, कुछ लोग इन्हें मिक्स करके भी बनाते हैं। मिक्स करके बनाएंगे तो इसका टेस्ट जो है ना वो और ही तरह का होता है। आप लोग भी ट्राई करें। इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तो अब हम बना रहे हैं अपनी थाल की नेक्स्ट डिश। नेक्स्ट डिश जो है वो है हमारी चिकन की, चिकन का सालन। तो अब हम आपको बताएंगे हम झटपट से किस तरह चिकन जो का सालन है। डिफरेंट स्टाइल से बने, उसमें कोई सब्ज मिर्च नहीं डलेगी, प्याज नहीं डलेगा, सिर्फ पेस्ट डलेगा उसमें। जिंजर गार्लिक पेस्ट डलेगा वन टीस्पून। लो फ्लेम पर हमने अपने ऑयल को रखा हुआ था। अब हम इसको बनाएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने ऐड किया हुआ है ऑयल और उसमें जिंजर स्मोक आ गया, उसमें ऐड किया हुआ है हमने ऑयल में जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो अब हम ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स वन टेबल स्पून एंड हाफ। इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, बहुत ही सादा सा चिकन का सालन है और बहुत ही यम्मी, शायद बहुत कम लोग खाते हों इसे। हाफ टी स्पून जीरे का इसको हम पकाएंगे अच्छी तरह से, मसाले को हम पका लेंगे अच्छे से। और स्मोक हो रहा है बहुत ज़्यादा। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को, कमेंटिंग किया करें अच्छे अच्छे से और शेयर करें। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। घंटी के बटन को दबाना ना भूलिएगा कोई भी। हमने ऐड किया है चिकन के क्यूब्स।
हमने कोई यहाँ पर हड्डी वाला गोश्त नहीं लिया है, कुछ भी नहीं। हमने ये चेस्ट का पीस था, उसी की हमने स्लाइस खुद ही किए हैं घर पर। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं टू टेबल स्पून ऑफ विनेगर। अब हम इसमें डार्क सोया सॉस ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून। ज़्यादा डार्क अगर हमारे पास नॉर्मल टेस्ट है सोया सॉस का तो वो हम 2 करेंगे, डार्क है तो ये ना उससे हमारा कड़वा हो जाता है। सो हम इसको बिल्कुल क्वांटिटी के हिसाब से ऐड करेंगे। चिकन हमारा पक रहा है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन पाउडर। जब हमारा चिकन आधा पक चुका होगा देन हमने ऐड करना है इसमें चिकन पाउडर। इससे ये होता है कि हमारा चिकन जूसी और टेस्टी फ्लेवर आ जाता है इसमें, बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। हाँ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वो आ रही है इसकी दिलकर अभी खा। हाँ इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा, चिकन पाउडर से ये होता है कि आपके टेस्ट में जो है ना आपको खुशबू से आपको टेस्ट मिल जाता है। 5-10 मिनट ही पकाएंगे फिर। तो गाइस अब हम बना रहे हैं छोटी सी गोल इंडियन रोटी, इंडियन थाल, तो हम सब कुछ उस मुताबिक आप लोगों को सिखाएंगे। सो गाइस जैसा कि आप लोगों ने हमारी सारी वीडियो देखी, वीडियो को ऊपर से देखा है तो हम लोगों का जो आज का कॉन्सेप्ट था वो था इंडियन थाल। तो इंडियन थाल हम लोगों ने सारा कुछ बना लिया है, तो ये है हमारी खूबसूरत सी इंडियन थाल। तो अब हम आपको इसको डेकोरेट करके बताएंगे कि इंडिया में किस तरह इस चीज़ों को रखा जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें रखेंगे खीर जो हमने बनाकर फ्रिज में रख ली हुई थी, चिकन का सालन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम बना रहे थे झटपट चिकन का सालन, जो भी हमने बनाई थी रोटी, सैलेड को ऐड कर रहे हैं हम लोग, सैलेड भी खाई जाती नहीं है बल्कि खाया करें। सैलेड बहुत ज़रूरी होता है खाना हेल्थ के लिए, बहुत अच्छी डाइट। गाइस हमारी थाल हो चुकी है रेडी। हम लोगों ने आपने जैसे कि हमारी सारी वीडियोस देखी थी एंड पर हम लोगों की थाल ये है तैयार हो गई है। इसमें हम लोगों ने बनाए दाल चावल, पकौड़े, खीर, चिकन का सालन, रोटी, सैलेड और अचार को ऐड किया है। तो आप लोग भी सब अपने घरों में बनाएं और खाएं से मज़े से, सबको खाना चाहिए, ये हेल्थी फूड है सारे, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जो हमारी हेल्थ को ख़राब करेगा। सब कुछ जो है तरतीब से खाया करें, हमारी सारी वीडियोस को देखा करें, लाइक किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करें। और अब हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।